आवाम को जोहार, सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। धनबाद से राज सिन्हा जो हैं वो जीत चुके हैं और जश्न मना रहे हैं। झरिया से भी बीजेपी कमल चुका है। इसके अलावा बागमारा से भी शत्रुघ्न महतो आगे हैं। मेरे साथ लोजपा के कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहूंगी कितने खुश हैं और क्या उम्मीद थी चुनाव से। सर क्या नाम हुआ, बहुत स्वागत है। मेरा विकास रंजन और पप्पू सिंह नाम हुआ, LJPR का वरिष्ठ नेता हूं। जी कैसा, धनबाद से राज सिन्हा जी, बागमारा से शत्रुघ्न महतो जी, झरिया से रागिनी जी, कैसा लग रहा है इतना सारा जी? बहुत ही खुश है। जनता का ये सौभाग्य कहिए कि सही धरातल पर जो काम करना चाहिए काम करने वाले व्यक्तियों का जीत हुई है और खासकर NDA की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे चिराग पासवान जी का ये आने से बहुत बड़ा बेहतरीन ही इसमें धरातल पर मैंने समझिए एक माहौल का ही बना है। और संगठन BJP हमारे राज सिन्हा विधायक जी को मैं शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने काम किया और काम का जनता फैसला किया है और जवाब आज दे दिया। तो आप लोगों को धनबाद से कंफर्म था कि राज सिन्हा जीत रहे हैं? एकदम कंफर्म थे। तो सर एक चीज बताइएगा, झरिया हॉट सीट है, चर्चा रहती थी, पूर्णिमा जी कहती थी हमने बहुत काम किया है, लेकिन जनता ने नकार क्यों दिया, क्या कारण लगता है? देखिए बोलने से कुछ नहीं होता है, जनता के बीच में हमारे श्रीमती रागिनी देवी जी जो हैं, रागिनी सिंह, काफ़ी काम और धरातल पर समझिए हर लोगों के बीच में जा कर के मोहल्ले समाज में हर दुख सुख के घड़ी में खड़ा रहने का काम किए हैं और काम करने का ये परिणाम है लोगों के जनता के बीच में रहने का कारण आज उनकी जीत हुई है और जनता सिर्फ काम जानती है, जनता फैसला करती है, इसमें किसी का बोलने से। चिराग पासवान जब धनबाद आए थे एक माहौल बना था, आपको लग रहा है कि उनका आना जो है वो इम्पैक्ट किया है इस बार? बहुत बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हमारे माननीय चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जो जिन जिन सीटों पर उन्होंने आए हमारी भी एक जीत 17 से हुई है। जनार्दन पासवान जी देखिए पूर्ण बहुमत से, अच्छा बहुमत से, मैंने वोट से जीते हैं, मैंने जीत हुई है और ये माननीय चिराग पासवान जी का देन है, हम लोगों का कर्मठता और हम लोग का संगठन का ये देन है जो कि आज इसे आज जश्न मनाना है। डांस वगैरह होगा? बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, डांस भी होगी। लड्डू वगैरह का ऑर्डर सुबह दिया था कि पहले से तैयार? पहले से सारी चीज को हम लोग को जानकारी थी, निश्चित 100% जितना तय था। जी सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद की जीत से। राज जी से उम्मीद था कि वापस आ रहे? वो तो एकदम पक्का था। तो ये इतनी उम्मीद कैसे है कि बार बार वही आ रहे हैं? वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, उनसे सब जनता खुश रहती है। अजय जी जो है उनसे क्या गलती हो गई, क्या कारण? वो गलती कुछ नहीं, उनको तो बोलेंगे, वो जनता के बीच में रहे ही नहीं। जी तो उसी के लिए लॉस उठाना पड़ गया। जी तो लड्डू वगैरह खाई मिला? नहीं, एकदम चलेगा चलेगा, एकदम चलेगा, कहां से सब होगा, सब होगा। तो सड़क तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? सड़क टूटेगा, सब टूटेगा, एकदम टूटेगा। राज भैया का इंतजार है, इंतजार है। यस, कब तक आएंगे सर? अभी आधा घंटा में निकल जाएंगे। तैयार होने में समय लग रहा है। हाँ, हमारा विनोद नगर के सक्रिय है। सर कैसा लग रहा है राज जी वापस आके राज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय महापर्व जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ और धनबाद के मुख्य चुनाव पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहां के प्रशासन के तमाम साथियों को जो भी हैं उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने इस महापर्व को संपन्न किया। रहा सवाल राज्य का, तो मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि हम लोग वैसे नेता को चुने हैं जो BG नहीं EG है, जो हम लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध हैं, 2400 घंटा हम लोग उनके साथ, या जब भी हमको दिक्कत होता है महसूस होता है वो हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं और इसी का ये परिणाम है वो इतनी मतों से जीते। झरिया से पूर्णिमा जी दावा कर रहे थे कि बहुत जनता के बीच में काम किया, बहुत मेहनत किया गया है, रागिनी जी को लोगों ने कैसे स्वीकार किया, क्या लगता है? देखिए रागिनी जी का और पूर्णिमा जी के में बेसिक दो अंतर है। रागिनी जी ग्रास रूट से जुड़ी रही और पिछले 5 वर्षों में हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा दिन हो साल का 365 दिन में 365 दिन वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहे, अपने वोटर के बीच रहे, हर दुख सुख छोटा बड़ा कोई भी काम में वो उनके साथ हमेशा शरीक रहे, जिसका ये परिणाम, जिसका ये इनाम वहाँ की जनता उनको दी है। सर पूर्णिमा जी जो हैं क्योंकि वो वहाँ पर हैं, साथ ही इस बार एक रुस्तम अंसारी जी JLKM ने उन्हें टिकट दिया था, क्या ये भी लग रहा है कि उनके हार की वजह है कुछ? रुस्तम अंसारी जी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जी, इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन जहाँ तक सवाल है
पूर्णिमा जी का जी। वो भी अच्छी विधायिका रही हैं, अच्छे काम किए हैं, लेकिन जनता इजी चाहती है, इजी नहीं जी। अच्छा चलिए धन्यवाद सर, लोग पूरे खुश हैं, सड़क का नजारा है, धुआं धुआं, ये जश्न है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, उसके बाद बीजेपी जो है अलग से ही जश्न मना रही है, तो भाकपा माले सड़क के इस ओर आपको नजर आ रहा होगा, और इस जीत के जश्न में लोगों के चेहरे पे ये जो खुशी आपको नजर आ रही है, लंबे समय से मेहनत किया कार्यकर्ताओं ने, और आज जश्न मनाने का, लड्डू खाने का, लड्डू बांटने का दिन है, और हम लोग कवरेज के दौरान लोगों से मिलकर ये जानना चाह रहे हैं कि कितने खुश हैं, और ये जो खुशी है वो आपको चेहरे पर नजर आ रही है, कहीं कहीं छोटे छोटे बम धमाके लगातार हो रहे हैं, बताइए सर। रागनी जी जो है जीत गई, कैसा लग रहा है? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा जी, लहर बड़ी करारी थी, पूर्णिमा पे रागनी भारी थी, ये पूरा जनता का जीत है। हाँ, और जनता आप देख भी रहे होंगे कितना उत्साह में है। पूर्णिमा मैडम को जनता ने नकारा क्यों सर, क्या गलती हुई? वो हर एक जगह विकास करते हुए एक एडवाइट क्या बोलते हैं उसको, एडवाइज बना ली थी कि मैं विकास कर रहा हूँ, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ था झरिया विधानसभा में, उसी कारण से आज सामने देख रहे रिजल्ट। झरिया की जनता कहते थे कि पूर्णिमा मैडम में ईगो है, रागनी मैडम में ईगो नहीं है, क्या ये फैक्टर काम किया रागनी जी? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, देखिए व्यवहार से ही आज सामने देख रहे होंगे आप, ये देख लीजिए। हाँ जी जी जी। उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सुनिए, धनबाद से राज्य जीत गए हैं, उम्मीद था कि नहीं? एकदम उम्मीद था, ओ धनबाद से राज सिन्हा जीते थे, और ये धनबाद और झरिया तो बीजेपी का बहुमूल्य सीट है और जो हमेशा आएगा जी। सर कितने खुश हैं? बहुत हैप्पी, सो हैप्पी। बीजेपी के समर्थक? बीजेपी के हैं। पूर्णिमा मैडम जो है हार गई है, क्या कारण लग रहा है? कोई काम नहीं किए 5 सालों में, एक साल आया तब याद आया उनको कि प्रत्याशी है, कि हम खड़ा हुए हैं कि अब पब्लिक को चुतिया बनाया जाए फिर से, तो पब्लिक चुतिया नहीं है, जीत के बहुत खुशी है हम लोग को। देख लीजिए इतना भीड़, इतना संख्या से भीड़ लगा हुआ है, इतना पब्लिक आए हुए हैं, खुशहाली है हम लोग का। रागनी मैडम अब झरिया संभालने वाली है? हाँ, रागनी मैम संभालेगी और संभालते रहेगी। अब राज जी धनबाद में फिर राज करने आ गए हैं, उम्मीद था कि ऐसा? बहुत उम्मीद था हम लोग, उम्मीद क्या, पूरा उम्मीद था जीतने का। डांस होगा, जुलूस निकलेगा, भव्य जुलूस निकलेगा, सड़क तोड़ एकदम डांस होगा ना, पूरा सड़क तोड़ डांस होगा, भव्य जुलूस निकलेगा एकदम। लड्डू बन रहा है, बटाएगा झरिया कतरास में। अच्छा, झरिया कतरास में लड्डू भी बटेंगे। सर कैसा लग रहा है? नहीं बताना है। चलिए कुछ और भी लोग हमको लग रहा है कि साथ में है। सर कैसा लग रहा है? राज जी जो है जीत गए हैं, बहुत आनंद आ रहा है, हैट्रिक हुआ है जी, तो अभी डांस वगैरह होगा, बस हो रहा है, डीजे आ रहा है उधर से, जश्न होगा, जश्न मैडम, जश्न होगा। झरिया में भी जो है कमल ही खिला है, एकदम हम लोग कमल खिला है, हमेशा कमल के लिए रहा है आगे, और कमल रहेगा आगे, लोकसभा से भी आगे रहा है कमल इस बार। पूर्णिमा मैडम से क्या गलती हो गई सर कि झरिया की जनता ने नकार दिया? पूर्णिमा मैडम से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आज बताना नहीं है, रागनी सिंह के बारे में बता सकते हैं कि बेचारी मेहनत की अकेले रह के, तो मेहनत का फल मिल गया, मिला आज आशीर्वाद मिला, झरिया के जनता से आशीर्वाद मिला उन्हें जी, 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 और राज सिन्हा तो 50,000 से आगे है। राज सिन्हा जी पर कंफर्म था कि वो जीतने वाले? अरे बिल्कुल था, अंतर था सिर्फ कि पिछले बार से अधिक आना चाहिए, पिछले बार से अधिक आया, और इस बार जनता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया है कि अगला आपको 5 साल झारखंड में राज सिन्हा का राज रहेगा। चलिए, राज सिन्हा जी के समर्थक है, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, धनबाद का ये नजारा है, थोड़ी देर के बाद दोबारा हम जुड़ते हैं।